Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं क्लास फोर्थ के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल से क्वेश्चन लेकर आई हूँ. आज हम पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना सीखेंगे. तो लैब एक्टिविटी हमारी है क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड ऑन योर स्कूल. फर्स्ट स्लाइड नेम ऑफ स्कूल विद एड्रेस एंड फोन नंबर. स्लाइड टू स्कूल इमेज. स्लाइड थ्री स्कूल फ्रॉम क्लास टू क्लास. स्लाइड फोर स्कूल फैसिलिटी एंड स्लाइड फाइव थैंक यू क्रिएटेड बाय योर नेम. तो ये हमें स्लाइड इस प्रकार का बनाना है. पांच टॉपिक्स हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है पावर पॉइंट तो यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके यहाँ से हम पावर पॉइंट को क्लिक करेंगे. चलिए यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डबल क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से हम पावर पॉइंट लेते हैं. पावर पॉइंट लेने के जिस तरह की आपके पास स्लाइड आ जाती है तो यहाँ से हम न्यू स्लाइड पे जाके जिस तरह का हमें लिखना है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में है आपका नेम ऑफ स्कूल विथ एड्रेस एंड फोन नंबर, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ले सकते हैं. क्लिक एंड एड्रेस, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल हम लिख सकते हैं. ये मैंने पहले आपको स्लाइड बना के रखा हुआ है तो मैं कॉपी पेस्ट करना बता दूंगी. जो भी टॉपिक्स हमारे ये टॉपिक्स पे हमें स्लाइड बनाना है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पहले से लिख कर इसको कहीं पर भी रख ले सकते हैं. या तो आप एमएस वर्ड में लिख कर रख लें या फिर पावर पॉइंट में स्लाइड पे. तो मैंने पावर पॉइंट स्लाइड इस टॉपिक्स पे बना कर रखी हुई है. तो आपको कॉपी पेस्ट करके किस तरह हम बनाएंगे वो चलिए साथ में बताते जाते हैं. तो ये था हमारा स्लाइड, अब यहाँ पर हमने बना रखा है. तो यहीं से हम टॉपिक वाइज आपको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके हम बता देंगे. चलिए ये हमने बना रखा है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे. यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट ये टॉपिक हमने लिख रखा है तो यहाँ पर आकर हम कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा. उसी प्रकार हमने इसको बना के रखा हुआ है, इसके लोगो हमने रखे हुए हैं बना के. तो ये आप कहीं से भी फोटो खींच के इमेज में ले सकते हैं या फिर आपको नेट से मिल जाएगा या फिर आपके अपने स्कूल में. तो चलिए इसको हमने कॉपी कर लिया और वापस अपनी स्लाइड पे हम आ जाते हैं. इस स्लाइड में यहाँ पे हम कर्सर पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे. ये इमेज यहाँ पे हो जाती है. फिर इसको हम माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए इसके पास में हम रख देंगे. इस तरह हम जब प्लस साइन आए तो यहाँ ड्रैग करके हम यहाँ पर रख सकते हैं. वापस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके एड्रेस वगैरह जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है इसको माउस से ड्रैग करके कॉपी करेंगे और फिर अपनी स्लाइड में आके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे. तो ये आपकी एक स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है. पावर पॉइंट में ये सुविधा रहती है कि स्लाइड को आप अपने इच्छा अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट में ब्लैंक स्लाइड है और नीचे हमने ये स्लाइड बनाई है तो इसको आप माउस से ड्रैग करके ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे वाली स्लाइड नीचे आ जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड स्लाइड में आपको बताना है स्कूल इमेज. यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या बताना है हमको. स्कूल इमेज लगाना है तो कोई भी एक स्कूल इमेज हम ले लेते हैं यहाँ से. और अबाउट माय स्कूल के बारे में लिखा गया है तो पहले हम इसको कॉपी करेंगे और अपनी स्लाइड पे आ जाएंगे. यहाँ से हम इस प्रकार की स्लाइड लेंगे, इसी प्रकार की टाइटल स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ से हम पहले कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं एंड नेक्स्ट नीचे आते हैं. जो भी स्कूल के बारे में हमारा लिखा गया है वो हमने लिख के रखा हुआ है पहले से, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं. माउस को ड्रैग करके कंट्रोल प्लस सी करेंगे, फिर वापस हम टेक्स्ट बार में ही नीचे आके यहाँ से हम इसके यहाँ देखिए टास्क बार में हम नीचे जाते हैं और प्रेजेंटेशन थ्री लिखा हुआ है इस पे आके यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. अब इसको फॉर्मेटिंग करनी है तो माउस से सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं. तो इस तरह ये हमारी स्लाइड हो गई. थर्ड स्लाइड में हमें स्कूल के इमेज लगाने हैं तो चलिए वापस हम यहाँ देखिए टास्क बार पे दो स्लाइड खुली हुई है, माय स्कूल और प्रेजेंटेशन. माय स्कूल पे हमने बना के रखा हुआ है तो देखिए ये इमेज है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट फिर अपने प्रेजेंटेशन थ्री में जाके यहाँ पर हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे. यहाँ पे क्या लेंगे, ब्लैंक स्लाइड, और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे. तो ये हमारा स्कूल.
नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें आपको स्कूल के नेम लिखने हैं, तो आप यहाँ से ये टास्क बार लेंगे, ये चलिए यहाँ पे जैसे आप माउस रखेंगे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है लिखा हुआ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम सेंट नॉर्बर्ट स्कूल लिखना चाहते हैं, तो या तो आपके पास लिखा हुआ है ये, इसको भी हम वापस कॉपी पेस्ट करके वहां पर हम ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी किए और यहाँ इमेज पे आकर हमने यहाँ जो ये बॉक्स लगा रखा है वापस से ले लेंगे, अगर हट जाता है तो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे माउस से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रास्ट में कलर लेते हुए हम यहाँ पे व्हाइट कलर देंगे, जिससे कि हमारा लिखा हुआ नाम जो है अच्छे से दिख सके। अब यहाँ से हम साइज इसकी बढ़ा देंगे, ये हमारा लिखा हुआ हो चुका है। तो ये थे थर्ड स्लाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपको इसको हम नीचे ले लेते हैं। मान लीजिए ये स्लाइड है, इसमें आपको बताना है कि स्कूल किस क्लास से किस क्लास तक लगती है। यहाँ पर हम गए माई स्कूल ऑप्शन हम खोल लेते हैं और यहाँ पर स्कूल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल प्लस सी और वापस यहाँ पर हम माई प्रेजेंटेशन 3 में जाके यहाँ पे हम इसी स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर देंगे। और ये स्लाइड जब एक्स्ट्रा हो जा रही है तो देखिए प्लस तरह का साइन है, तो माउस को क्लिक करेंगे और डिलीट की से इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इट इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास फ्रॉम नर्सरी टू 10th। इस प्रकार यहाँ से स्क्रॉल बार से आप देख लीजिए हमारी कितनी स्लाइड बन गई है, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ स्लाइड के लिए हम फिर वापस हमको लेना है स्कूल फैसिलिटी, ये हमने लिख के रखा हुआ है। यहाँ से न्यू स्लाइड पे जाएंगे और ब्लैंक स्लाइड लेंगे। ब्लैंक स्लाइड में लेते हुए यहाँ से हमने इमेज एक ले रखा है यहाँ से, तो इसे ही हम कॉपी करेंगे क्या क्या फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग और यहाँ से जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप इसे MS वर्ड में लिख कर और यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर लेंगे, 4 फोटो, और वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी इमेज को छोटा कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए इमेज छोटा है करना है तो यहाँ से इस तरह का साइन आए तो आप इसको माउस को प्रेस करते हुए देखिए इमेज छोटा हो जाएगा, जितना छोटा आपको करना है उतना छोटा इमेज यहाँ पर हो जाता है। तो 4 इमेज लाके आप ऊपर में पहले आप लिख लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ से आप फैसिलिटी लिख लीजिए और इमेज 4 लाके चिपका दीजिए, इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैंने एक साथ ही इसको कर लिया है, चलिए इसको हम कंट्रोल प्लस जेड करके अंडो की स्थिति में कर देते हैं, जैसा कि अंडो आपको पहले भी बता रखे हैं पहले की स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड इसी प्रकार आपका बनेगा, फिर हमें स्कूल फैसिलिटी क्या क्या है ये बताना है जो यहाँ पे हमने बना रखा है, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और लास्ट थैंक यू क्रिएटेड बाय योर नेम, और लास्ट में हमको थैंक यू लिखना है और अपने नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर ये सब डालने हैं। तो चलिए इस तरह बना सकते हैं और बनाने के बाद हम स्लाइड शो देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं माई स्कूल पे जो हमने बना के रखा है इसको आपकी स्लाइड शो दिखाती। यहाँ पे हम ऊपर टास्क बार में जाके स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम बिगनर, यहाँ हो गया सेंट नॉर्बर्ट स्कूल, अबाउट माई स्कूल, स्कूल इमेज, इट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास फ्रॉम नर्सरी टू 12th, देयर आर मेनी फैसिलिटीज एंड थैंक यू क्रिएटेड बाय, इस तरह हमने ये बना लिया है। तो ये थे आपके पावर पॉइंट स्लाइड में किस प्रकार हम स्लाइड बनाते हैं और उसको कैसे हम इफेक्ट देते हैं। ये सिंपल क्लास 4th के लिए प्रेजेंटेशन था, इफेक्ट मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है अभी, सिर्फ सिंपल आपको लिखना और स्लाइड शो बताया है। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।